बच्चों आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है MZ क्लासेस, ठीक है। तो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ क्लास 6। कैसे क्लास 6, यानी कि जिस बुक को ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता उस बुक को हम आज आपके बीच में लाए। और बच्चों को बड़ी परेशानी होती है सुनने में आ रहा है, तो हम उसी बुक को आपके बीच में लाए और आज हम आपके बीच में इन सभी चैप्टर का डिटेल लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, और नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा जो पहला है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला है कि कब कहाँ और कैसे, ठीक है। कब कहाँ और कैसे, कब कहाँ और कैसे, When, where, how, ठीक है। कब मतलब कब, कब कौन सा समय, कहाँ मतलब किस जगह में, और कैसे मतलब कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ते हैं इतिहास का। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है। सर्कल में हम लोग, हाँ थोड़ा सा हम लोग अपने से कुछ, तो थोड़ा सा एक ऑप्शन ले लेते हैं हम, ठीक है इसका। चलिए तो इसका भी ऑप्शन लेना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये गोल सा सर्कल में, तो ये जो गोल सा सर्कल है हमारा, यहाँ पे हम इसको रखते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। हाँ ये जो देखिए इस गोल सर्कल में क्या लिखा हुआ, फुलमणि की जिज्ञासा। फुलमणि अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही, अचानक उसके मन में सवाल उभरा, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते हैं। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान। तो फुलमणि एक लड़की है, एक बच्ची है, इस कहानी की जो भी एक कहानी क्या है, उन जो विचार व्यक्त कर रही है, जो बता रही है, वो एक लड़की है, मान के चलिए कि स्टूडेंट है, जो सोचती है कि अगर उसके घर से रेलगाड़ी छुक 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 चलता है, तो वो रेलगाड़ी अगर नहीं होगा तो आखिर क्या होगा उस समय में, ठीक है। रेलगाड़ी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लोग कैसे जाते होंगे, ठीक है। लोग कैसे जाते होंगे, इसका आंसर हम यहाँ देते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से नीचे। हाँ पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 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 नया वाले नया करें। आज दुनिया में खूब तरक्की कर ली, खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया। अगर आज देखा जाए दुनिया को, बहुत ज़्यादा डेवलप है, इतनी तरक्की है। देखिए आज हम अपने मोबाइल से, देखिए ये आपका एंड्रॉयड पेन है, एंड्रॉयड पेन से हम आपको वीडियो बना दे रहे हैं, लाइन देखिए स्क्रीन पे हम आपको देखिए रेखांकित कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। क्या ये था, नहीं था, देखिए हर एक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा चल रही है, तो ये सब दुनिया तरक्की किया उसका पहचान है। हवाई जहाज बना, मेट्रो है, रेल है, एक से एक गाड़ी है, नहीं तो बता इस खूबसूरत सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, नया समाज, मॉडर्न जगह, मॉडर्न समाज, आधुनिक समाज, मतलब मॉडर्न समाज, मॉडर्न सोशल सोसाइटी, यानी लोगों का जब जमा होते एक जगह रहते हैं तो कैसा है, मॉडर्न है, आधुनिक है, जिस तरह से दुनिया चल रही है उसी के हिसाब से भी समाज चल रहा है, ये मॉडर्न प्रगति का मानक है। ये प्रगति का मानक मतलब पहचान, तरक्की का पहचान है, प्रगति मतलब डायनेमिक प्रोग्रेस, ठीक है, राइजिंग, ये उन्नति का पहचान है, डेवलपमेंट का पहचान, यह विकास रातों रात नहीं हुआ। लेकिन जो आज हम जो देखते हैं, क्या ये रातों रात बन गया, नहीं, क्या कोई एक रात में बन गया, नहीं, इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की। अगर इंसान को देखा जाए तो रेलगाड़ी से लेके बैलगाड़ी, ठीक है, और हवाई जहाज का यात्रा भी पूरा किया, ऑटो से लेकर टोटो तक, और आज हमारे पास एक से एक नई डिजाइन की कारें मिलेगी। तो ये तुरंत नहीं हुआ, ये तुरंत नहीं हुआ,
किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते। तो कहा जाता है कि आज आदमी इतना तरक्की कर गया कि लंबा से लंबा दूरी को भी तुरंत तय करता है, ठीक है। और आज अगर कुछ भी चीज होता है तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, रेडियो ऑन करेंगे, आप सुन रहे हैं विविध भारती, होता था ना, आप सुन रहे हैं ये समाचार, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, उड़ीसा में, बंगाल में, ठीक है, यहाँ की सरकारें बदली, वो प्रधानमंत्री बना, ये मुख्यमंत्री बना, आपको एक दिन में, कभी कभी क्या होता है ना, आजकल तो शपथ भी लाइव दिखाता है, ठीक है। ये तरक्की का पहचान है, हर कुछ के लिए सहारा लिया जा सकता है, लेकिन अगर आज के डेट का तो मालूम है, लेकिन अगर आज से 100 साल पहले क्या हुआ तो ये कैसे जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, एकदम बहुत मस्त चीज है, देखिए, इतिहास तीन शब्दों, इतिहास तीन शब्दों से बना है, इति हा जोड़ आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास तीन शब्द से बना है, क्या है देखिए, आप भी जान सकते क्या है। हाँ देखिए, हम मिटा रहे हैं यहाँ पे इति, हाँ इति हा और आस, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित हुआ है। हम लोग ने बोलते सच्चे, हाँ सच में हो रे, एकदम हो रे, नागपुरी वाला बोलता है ना, ये नागपुरी वालों का ही बुक है, झारखंड का बुक है, जब बोल दिया सरकार 1932 का खतियान, झारखंड का पहचान, तो अब हम क्यों ना पढ़ेंगे नागपुरी वाला और सादरी वाला पहचान, ठीक है। चलिए, तो ये जब बोला गया, ठीक है, कि ऐसा निश्चित हुआ था, हम अपने गाँव घर में नहीं बोलते सच में इसने, हाँ तो ऐसा ही हुआ था, यही इतिहास है, यानी जो चीज डेफिनेटली हुआ था, सलमान खान जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ ऐसा नहीं, जो हुआ था उसी को इतिहास बोलता है। चलिए नीचे, तो नीचे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, हाँ चलिए, अतीत की कहानी है इतिहास, क्या बोलता है, तो अतीत की कहानी है, मोबाइल मेरा बार बार थोड़ा परेशानी कर रहा है, हाँ अब नहीं गिरेगा, ठीक है। बोलता है कि अतीत की कहानी है इतिहास, अतीत का मतलब बीता हुआ कल, कहानी का मतलब तो कहानी और इतिहास, तो अतीत की कहानी है इतिहास, ठीक है, कैसे, बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है, क्या बोला, बीते दिनों के मानव कहानी, जो पुराने समय, बीते दिनों में जो भी इंसान थे, जो बीत गया समय, उस समय में जो भी इंसान था, उनकी कहानियों को हम लोग इतिहास कहते हैं। अब वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है, अगर हम किसी वर्तमान, आज प्रेजेंट को समझना है तो उसमें वर्तमान का, अगर वर्तमान यानी प्रेजेंट को समझना है तो उसमें इतिहास का सबसे बड़ा योगदान यानी कि रोल या कुर्बानी है। कैसे है देखिए, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, ठीक है, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसका हाल वे कैसे निकालते, उसका हल वे कैसे निकालते थे, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी, उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। कहा जा रहा है कि हम आज जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, आज का जो हालिया जिंदगी है, उसको जीने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने परेशानियां, मुसीबत का सामना कैसे करते थे, वो उसका समाधान, हल, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, पुराने समय में लोग कहाँ रहते, आज ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, टाइल्स मार्बल लगे हुए घरों में रहते हैं, एक से एक मशीन लगे हुए, वेपन्स लगे हुए, जो काम को आसान करता है, उस तरह के समाज में रहते थे, लेकिन पहले कैसे रहते थे, ठीक है, पहले कैसे रहते थे, तो इसी चीज को हम जानेंगे। माइक गिर जा रहा है बार बार, ठीक है,
आज हमारा, हाँ, इनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो बोलता है कि उस समय शासक के अतिरिक्त, जब अतीत की बात करते हैं पुरानी समय की, तो उस समय जो शासक होगा, जो राजा होगा, उसके अतिरिक्त अगर हम किसी बात करते हैं तो व्यापारी, बिजनेसमैन, कारीगर, आपका जो भी एक आर्टिस्ट, किसान, जो भी किसान समझते हैं खेती बाड़ी, पुरोहित, ठीक है, मजदूर, सभी समाज के महत्वपूर्ण, ये लोग ही समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। इनसे ये समाज में, अगर इनके बिना समाज अतीत में नहीं बन पाता था, यानी समाज इनसे ही बना होता था, समाज का चलाने वाले महत्वपूर्ण अंग थे। चलिए, तो बोला कि उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते थे। अगर इन विषय, इन सब्जेक्ट, इन चीजों के बारे नहीं जानते हैं तो हम समाज को नहीं समझ सकते थे। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्य और रुचि को ही जानने का प्रयास किया जाता है। तो इतिहास में अगर समझ हो, इतिहास को जानना हो, तो समाज के केवल अमीर तबकों को ही नहीं, निचले स्तर गरीबों का भी कुछ कहानियों को जानना पड़ता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो निचले स्तर के लोगों की रुचि क्या थी, उनको क्या पसंद था, जानने का प्रयास। वास्तव में पहले इतिहास में ज्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती। अगर हम पहले की इतिहास को देखते हैं तो क्या कहता है तारीख, डेट, 1918, 1912, 1913, 1914, 1916, इन इस तरह के तारीखों का भरमार रहता है, और घटना की क्या घटना हुआ, ठीक है, और विशेषकर राजनीतिक घटना, विशेषकर राजनीतिक घटना मतलब शासक चुनने वाला, ठीक है, का भरमार रहता है। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अब का जो इतिहास है वो जीवन के जुड़े हुए हर एक पहलुओं को, हर एक कंडीशन को, हर एक दायरे को, ठीक है, ये किससे जुड़ा है, ये कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन, स्टडी किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। चलिए, तो क्या बोला, इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। आपके बीच में सवाल आएगा, बाबू की इतिहास के जानकार को क्या कहा जाता है, तो इतिहासकार यानी हिस्टोरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है, यदि पीला वाले बॉक्स में देखिए, यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते, यह जीवन कष्टकारी होता है या आनंदमय। कह रहा है अगर आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते, गुफा में जैसे होते हैं पहाड़ों को काट के अंदर तक बना जाता है सुरंग, ठीक है, देहाती में लाता बोलते हैं, आपके पास अगर खाने के लिए क्या साधन होते तो आपको जिंदगी गुजारना है, कैसे जीना है, तो बताइए आपके पास क्या साधन होता, जीवन कष्टकारी, क्या जीवन परेशानी से भरा होता या आनंदमय या सुखी में होता, ठीक है, ये आपका बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। चलिए देखिए, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है, हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व लाखों साल, दुनिया में अगर लोगों की जन्म हुआ, लोग आए तो लाखों साल पहले, कब, लाखों साल पहले, लेकिन हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो जिंदगी है, आज जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर इसको हमको जानना है, इसका हमको नॉलेज, तालीम, ज्ञान बढ़ाना है, तो कह रहा है कि हमको अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। जब तक हम अपना पुराना समय को नहीं जानेंगे ना बाबू, अभी वाला समय को नहीं जानेंगे। क्या कहते हैं, अभी हम नल से पानी करते हैं, ये हम लोग को कब इज्जत मिलता है नल का, कि बोला जाता है पहले जानते हो बाबू 5 किलोमीटर दूर से पानी को औरतें मटकी भर भर के लाते थे, ठीक है, तो इसी तरह से हमको जानना जरूरी है। हाँ,
इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। इतिहास क्यों जरूरी है? इतिहास से सबक लेते हैं, पुरानी देखिए पुराने चीज़ों से हम सीखते हैं और बेहतर जीने का ढंग जरिया ढूंढते रहते हैं। इतिहास सबक सिखाता है। कैसे? कहा जाता है बाबू इस जगह पे ऐसा काम मत करो, यहाँ ऐसी घटना हुई थी, ये लोगों के मृत्यु हुई थी, इस ये नदी में ऐसे नहीं नहाओ या ऐसे मत जाओ, या इस रोड में ठीक है या इस रास्ते में ऐसे नहीं, या इस पेड़ में नहीं चढ़ना चाहिए, वह मतलब जो भी आप समझ रहे हैं ना कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे पहले कभी हानि हुआ हो, नुकसान हुआ। अतः इतिहास अतीत को समझाने का प्रयास है। अगर देखा जाए तो इतिहास अतीत को समझाता है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी। इतिहास सिर्फ केवल एक देश के बारे में नहीं पढ़ाता है, हम अपने देश के साथ साथ और देश का भी पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं, महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम उनकी संस्कृति को पढ़ते हैं, उनकी चाल ढाल को पढ़ते हैं, उनके रहन सहन को पढ़ते हैं, उनके रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ा बहुत भी हिस्सा दूर। तभी तो आज हमारा स्टाइल देखिए, आज हम कुछ नया कपड़ा पहन लेते हैं, आज हम अलग अलग हेयर कट कटाते हैं, अलग अलग बियर्ड का भी कटिंग करते हैं। तो ये कहाँ है, हम दूसरे देशों से भी सीखते हैं, ठीक है। ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज से 800 साल पहले फला देश ऐसा था, हमारा देश ऐसा था, फला देश फिर तुरंत आजाद हो गया, तो कैसे हुआ, तो उसने ये क्या किया, ये विधि अपनाया, ये नियम अपनाया जिसके कारण आजादी प्राप्त हुई। तो हम भी सोचते चलो वही नियम अपनाएंगे, ठीक है। हम लोग को भी घर में सिखाया जाता है कि तुम्हारा भाई ऐसे करके पढ़ता था, ये भी इतिहास है, लेकिन उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और उससे बेहतर भी करते हैं, कभी कभी चूक भी जाते हैं, ये भी इतिहास है। तो इतिहास सबक सिखाया तो वर्तमान अच्छा हुआ। और मान लो जो देश में जिन लोगों का बहुत बड़ा कुर्बानी रहा उनके बारे पढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि मान लोग के बिना भी, मान लोगों के बिना देश महान नहीं हो सकता है। चलिए, और उनसे प्रेरणा इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ट्रेलर वाला नहीं है, छोटा सा था। क्लासिक्स वाले बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो हम रोज आपको वीडियो देंगे, लेकिन क्लासिक जरूर कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।